अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करना है जो कि फर्स्ट चैप्टर का ही है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट चैप्टर में कल हमने पढ़े थे द फर्स्ट सिक्स कंसोनेंट्स, ये हमने सारा पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है सेकंड वॉवल ए। तो मैं कल वाले चैप्टर का थोड़ा सा मैं आपको करवा देती हूँ, रिपीट करवा देती हूँ लेक्चर के हमने क्या पढ़ा था। शॉर्ट हैंड जो है वो एक सिंबल बेस्ड लैंग्वेज है। अच्छा, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंग्लिश के अल्फाज सुनते हुए जो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं उन आवाज़ों के पिट मैंने सिंबल्स बनाए हैं और इन सिंबल्स को शॉर्ट हैंड कहते हैं। अच्छा, कोई भी लैंग्वेज हो उसके दो पार्ट होते हैं, एक अल्फ़ाबेट और दूसरा ग्रामर। इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि हम लोग अल्फ़ाबेट भी सीखेंगे और ग्रामर भी सीखेंगे। तो कंसोनेंट्स पिट मैंने डिवाइड किए इनको 24 कंसोनेंट्स में, और 12 वॉवल्स हैं इसके, 4 डिफ्थोंग्स हैं। डिफ्थोंग्स के कम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवल्स क्या कहलाते हैं, डिफ्थोंग्स। अच्छा, तो जैसे हमारे पास लव्स है टॉट, TAUGHT टॉट, इसमें हमें स्पेलिंग पे गौर नहीं करना, तवज्जो नहीं देनी, हमें आवाज़ों पे तवज्जो देनी है। TAT टॉट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉट। तो टॉट के लिए जो हमारे पास सिंबल होंगे ना, हम लोग वो लिखेंगे TAT की बेस पे। तो फिर आगे हम लोगों ने ये फर्स्ट सिक्स कंसोनेंट्स पढ़े थे जो कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटर्न डाउनवर्ड्स थे, सब ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाएंगे और स्ट्रेट हैं, कोई इनमें कर्व नहीं है। ओके, ये हो गया था, हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि हमने अपनी पेंसिल को कंट्रोल में रखना है, पेंसिल को हमने आज़ाद छोड़ना है ताकि हैवी लाइट का डिफरेंस हम लोग कर सकें। लाइट स्ट्रोक जो होगा वो बिल्कुल बाल की तरह बारीक लिखना होगा, और हैवी स्ट्रोक जो होगा उस पे हमने हल्का सा जोर देना होगा, ज़्यादा जोर नहीं कि पेज के बैक साइड पे हमें लाइनें बनना शुरू हो जाए, इतना भी ज़ोर नहीं देना। ओके, तो ये था हमारा कल का लेक्चर। आज का लेक्चर ये है Vowels are represented by dots and dashes written alongside the consonant strokes. अच्छा, vowels जो हैं उनको हम लोग किस से तय करते हैं, dots और dashes से, written alongside the consonant strokes जो कि consonant strokes के साथ लिखे जाते हैं, या left यहाँ पे मतलब या left side पे लिखे जाएंगे या right side पे लिखे जाएंगे। When a vowel comes before a consonant, जब एक vowel जो है वो consonant से पहले आता है, it is placed before the stroke left, तो वो left side पर उसका stroke लगेगा, सही है। अगर vowel जो है वो consonant के बाद आता है तो उसका stroke right side पर लगेगा। ये मैं आपको आगे भी explain करती हूँ। ओके ओके, फिर आगे उसने ये एग्जांपल्स दी हैं, तो मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वेट, देखें चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट है वॉवल्स। वॉवल्स पढ़ेंगे हम लोग। वॉवल्स को क्या पढ़ा हम लोग ने, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट्स और डैशेस से, डॉट्स प्लस डैशेस, डॉट्स और डैशेस से। अच्छा, टोटल वॉवल्स कितने हमारे पास, हमने क्या पढ़ा था, 12 वॉवल्स हैं। 12 वॉवल्स की भी आगे से 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स अब कौन कौन सी हैं, बिगनिंग, मिडल, एंड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बिगनिंग, मिडल, एंड क्या है। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रोक है, ये समझ लें कि बस पी का है या बी का है। ओके, अब कोई भी स्ट्रोक हो तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, ये उसका हो गया बिगनिंग, ठीक है। मिडल दरमियान वाला हो गया मिडल,
और एंड वाला पॉइंट जो हो गया वो हो गया एंडिंग, मिडल बिगनिंग एंडिंग। एक स्ट्रोक के हमारे पास थ्री प्लेसेस होती हैं, बिगनिंग मिडल एंड। इनको हम लोग ये भी कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिगनिंग मिडल एंड। तो यही हम लोगों ने पढ़ा है कि इसकी थ्री टाइप्स हैं, बिगनिंग मिडल एंड। इसकी हम लोग कह सकते हैं कि इसको फर्स्ट प्लेस वावल है, सेकंड प्लेस वावल है, थर्ड प्लेस वावल है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अब आगे से इनकी चार चार किस्में हैं, बिगनिंग की भी चार हैं, मिडल की भी चार हैं, एंडिंग की भी चार हैं। तो चार 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 कितनी होगी, 12। तो ये हमारे पास 12 कैसे वावल्स आते हैं, 4 बिगनिंग के हैं, 4 मिडल के हैं और 4 एंडिंग के हैं। ओके, चैप्टर नंबर 1 में जो हम लोगों ने फर्स्ट सबसे पहले एक्सप्लेन करना है वो है सेकंड प्लेस वावल्स। सेकंड प्लेस वावल्स कितने हैं, 4 हैं। सेकंड प्लेस मतलब मिडल वाले 4 हैं, उनमें से सबसे पहली वाली जो किस्म है ना, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाली को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास क्या क्या आता है, लॉन्ग ए, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हैवी डॉट से, लाइट डॉट नहीं, हैवी डॉट। अब एक बात आप लोग जहन में रख लें कि डॉट लगाना कैसे है। अब अगर आप हैवी करने के चक्कर में अगर उसको आप यूं पेंसिल को रोटेट करना शुरू कर दें तो ये भी सही नहीं है। रोटेट पेंसिल को बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ पेंसिल को ऐसे रखना है और छोड़ देना है। डॉट लगाने का तरीका ये है ना कि हम लोगों ने पेंसिल को रोटेट करना शुरू कर देना है, उसको बहुत ज़्यादा कलर करना शुरू कर देना, हैवी करना शुरू कर देना, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ पेंसिल रख के छोड़ देना है। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ कि ये लॉन्ग ए एक्चुअली है क्या। फर्स्ट एग्जांपल है एप। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, ए पी ई एप। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंसोनेंट होता है उसका स्ट्रोक हम लोग लिखते हैं। एप जब हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे जहन में फौरन आ रहा है कि इसका कंसोनेंट पहले पी है, तो हम लोगों ने पहले पी का स्ट्रोक लिख लिया। उसके बाद एप, एप लॉन्ग ए की आवाज़ आ रही है ना, एप, तो हम लोगों ने सेकंड प्लेस वावल पढ़नी है, सेकंड प्लेस पे हम लोगों ने इसका हैवी डॉट लगा देना है। इधर भी नहीं लगाना, इधर भी नहीं लगाना, किस सेकंड प्लेस पे लगाना है। ये होगी फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है, पे, पी ए वाई, पे। अब इसमें क्या जाहिर हो रहा है कि पे सबसे पहले हमें कंसोनेंट की आवाज़ आ रही है, पे, ए की साउंड बाद में आ रही है, तो सबसे पहले अपना हम कंसोनेंट लिखेंगे पी, उसके बाद हम लोग ए का डॉट लगाएंगे। जैसे एप में हमें ए की साउंड पहले आई थी तो हम लोगों ने पहले डॉट लगा लिया लेफ्ट साइड पे। अब पे में हमें बाद में साउंड सुनाई दे रही है ए की, तो हम लोगों ने बाद में डॉट लगा लिया। इसी तरह एब, एब बी का कंसोनेंट लिखना है, स्ट्रोक लिखना है, बी का स्ट्रोक हैवी है, तो एब में भी हमें ए की साउंड पहले सुनाई दे रही है तो हम लोगों ने पहले डॉट लगा लिया। फिर है बे, बे में बी का स्ट्रोक लिखा, ए की साउंड बाद में सुनाई दे रही है तो हम लोगों ने बाद में इसका स्ट्रोक लिख लिया, सॉरी इसका सिंबल डॉट लगा दिया। अब है एट। मैंने क्या कहा था कि स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना, स्पेलिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, हमारी फोकस सिर्फ आवाज़ों पे होगी। एट, ई आई जी एच टी, एट, इसको फोकस करना है। साउंड क्या आ रही है, किस जैसी आ रही है, ए टी ई एट, इसकी साउंड आ रही है ना, तो सबसे पहले T
टी का स्ट्रोक हम लोग ने लिखना है जो कि बिल्कुल लाइट सीधी लाइन है। लाइट लाइन लगाई और फिर एट, लॉन्ग ए की साउंड आ रही है तो हम लोगों ने इधर डॉट लगा दिया एट। फिर क्या है एड, हैवी, हैवी सिंबल है डी का, डी की आवाज़ आ रही है, हमें एड में डी लिखा, उसके बाद एड के लिए ए का सिंबल लगा दिया। फिर है डे, डे में अब हमें ए की साउंड बाद में सुनाई दे रही है, पहले डी की दे रही है, तो डी का स्ट्रोक लिखा उसके बाद ए का सिंबल लगा दिया। फिर है एज, जे का सिंबल हम लोगों ने लिखा उसके बाद ए का लिख दिया, जे एज। ये थी आज की एग्जांपल्स। तो ये रहा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बस हम लोगों ने इतना ही पढ़ना था। ये एक मिनट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने मोबाइल एक जगह पे रखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अपने पास सेव कर लें, पिक्चर ले लें, उसके बाद यहाँ से देख के आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिख लेना, लेक्चर नोट कर लेना। ओके, एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, वावल्स। वावल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट्स और डैशेस से। टोटल वावल्स हमारे पास कितने हैं, 12। 12 वावल्स की भी आगे से 3 टाइप्स हैं। स्ट्रोक की 3 प्लेसेस होती हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस को बिगनिंग कहते हैं, सेकंड प्लेस को मिडल कहते हैं, थर्ड प्लेस को एंडिंग कहते हैं। बिगनिंग, मिडल, एंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इनके भी आगे से 4 टाइप्स हैं। 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 12। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है सेकंड प्लेस वावल्स को। सेकंड प्लेस वावल्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग ए, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हैवी डॉट से। हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर आगे एग्जांपल से समझाया है कि किस तरह से करना है। एप है तो पी का पहले कॉन्सोनेंट जो होते हैं ना उनका स्ट्रोक लिखनी है, चाहे हमें वावल की आवाज़ पहले आए या बाद में आए, सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्सोनेंट का स्ट्रोक लिखना है। एप, पी का स्ट्रोक पहले लिखा, फिर ए की साउंड पहले आई थी तो हमने पहले डॉट लिख दिया लेफ्ट साइड पे। फिर पे है, पे में भी क्या है कि पहले पी का स्ट्रोक लिखना है, फिर पे, ए की साउंड बाद में आई थी तो बाद में हम लोगों ने इसका राइट साइड पे डॉट लगा लिया। तो इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी हैं, ये आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में होमवर्क सेंड करूँगी, तो वो होमवर्क आप कीजिएगा, सबमिट करवाइएगा। ओके, आज का लेक्चर बस इतना ही था। बुक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको समझा दी हैं। राइट द कॉन्सोनेंट स्ट्रोक फर्स्ट एंड देन प्लेस द वावल साइन, के पहले कॉन्सोनेंट का स्ट्रोक लिखते हैं उसके बाद वावल साइन लिखते हैं। जैसे पी है, पी का स्ट्रोक हम लोगों ने पहले लिखा उसके बाद वावल साउंड। टू लाइट डैशेज अंडरनेथ ऑन एन आउटलाइन इंडिकेट दैट द वर्ड रिप्रेजेंटेड बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। यहाँ पे देखें जो ये एब है, एब के नीचे 2 डैशेज लगी हुई हैं, देख लिया आपने, ये 2 डैशेज लगी हुई हैं। जब किसी आउटलाइन के नीचे 2 डैशेज लगी होंगी तो उसका मतलब ये होगा कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। इसे देखें, यहाँ पे फर्स्ट लेटर ए स्मॉल लिखा हुआ है, तो इसके नीचे डैशेज नहीं है, इसके नीचे नहीं है, पर इसके नीचे हैं। क्यों? क्योंकि ए जो है वो कैपिटल है, इसलिए हम लोगों ने नीचे 2 डैशेज लगा दी। अच्छा, देयर आर 3 प्लेसेस अलॉन्ग साइड ऑफ स्ट्रोक इन विच वावल्स मे बी रिटन बिगनिंग, मिडल, एंड, एंड, और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्लेस। द डॉट फॉर अ लॉन्ग ए इज रिटन इन द मिडल प्लेस एंड इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड अ सेकेंड प्लेस वावल। यह वही बात है जो मैंने आपको समझा दी है। तो यही था आज का लेक्चर, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।